उज्जैन यूनाइटेड प्रेस क्लब ऑर्गेनाइजेशन के पत्रकार समिति गठन के अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि देश की सेना जिस तरह से देश की रक्षा करती है, ठीक उसी प्रकार देश के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर कर पत्रकार भी देश की रक्षा करते हैं, इसलिए मीडिया को मैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मानता हूँ। देखिए खास रिपोर्ट। और साथ ही देपालपुर में संगठन की सदस्यता देते हुए कहा कि नाम मात्र का सदस्यता शुल्क लेकर सभी पत्रकार साथियों को पहचान पत्र वितरित कर सदस्यता दी जाती है। संगठन पत्रकार के हितों में जो भी उचित कार्य होगा करेगा, सभी के लिए एकजुट होकर सहयोग करने की बात कही। और आगे कहा कि अधिमान्य पत्रकारों को जो सुविधा सरकार दे रही है, ऐसी सुविधा सभी पत्रकारों को मिलना चाहिए। चर्चा के सभी बारे में क्या कहना चाहिए? आज यूनाइटेड प्रेस क्लब ऑर्गेनाइजेशन का हमारा दीपालपुर गठन था, जिसमें हमारे अध्यक्ष दीपालपुर अध्यक्ष प्रभु जी अग्रवाल को हमने यहाँ पर मनोनीत करा है। इसी संदर्भ में आज हम लोग दीपालपुर हैं। आज देपालपुर नगर के नगर में पहुँचे यूनाइटेड प्रेस क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, उन्होंने आज देपालपुर तहसील की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें देपालपुर तहसील के सभी पत्रकारों का सदस्य नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए गए, जिसमें प्रमुख रूप से मुझे अध्यक्ष पद बनाया गया और उपाध्यक्ष के लिए पारस बारोड़, सचिव के लिए जीवन सिंह मौर्य, कोषाध्यक्ष सोमिल मेहता और शुभम पटेल, दीपक सेन, दरबार सिंह ठाकुर सहित सभी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। प्रभु अग्रवाल, देपालपुर।